अब हमारा सेगमेंट है यस एंड नो, जिसमें आपने बताना है, हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने बताना है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या जिंदगी में कभी आपने ऐसा किया। आप दोनों ने अब ऑडियंस से एक एक को बुलाना है जो कि आपके बिहाफ पे आपकी जंग खेलेंगे। और मेरे बिहाफ पे कौन आना चाहेगा? आइए, आ जाइए। आप आएंगी? आप आएंगी? आ जाए, आ जाए। ओके, इजी गेम है वैसे, ये टर्म बहुत पसंद है, जस्ट डू इट। आप आ जाए, जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ओह इंटरेस्टिंग, बाल बड़े जबरदस्त हैं। हाँ, बिग है। आपको क्या लगता है कि इमाद या मायरा जब कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो अपना नाम बता के कि मैं टीवी में आता हूँ, मैं एक स्टार हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दें, कभी बोला होगा इन्होंने? बताएं जी। टू बी ऑनेस्ट, नहीं किया मैंने कभी ये, okay. ये कार्ड प्ले नहीं किया। आपको कैसे लग रहा है इनको देख के कि ये ऐसी ये चपोस्ट्री मारेंगे ये? प्लस मुझे कंजूस लोगों से एवर्जन है। ये जो है ना, ये तुला हुआ है आपको हराने के लिए, उसने यस लिखा है। अच्छा जी, अब आपने पता नो का है। मैं बाकी मैं बल्कि एक्स्ट्रा पैसे पे करके आती हूँ। really? मैं टिप भी एक्स्ट्रा उनको देती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी लंडा बाजार से कुछ खरीद कर पहना हो? क्या जी इमाद? बिल्कुल, फुटबॉल के जूते। फुटबॉल रेलवे स्टेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त मिलते नहीं थे नाइकी रीबॉक वगैरह, फुटबॉल शूज, तो बिल्कुल गया हूँ और लिए हुए हैं फुटबॉल के जूते। लिए वैसे देखें, आपने जो बंदा पिक किया है ना, वो ही इज डूइंग इट। अच्छा जी मैडम, शी इज राइट। मैंने अभी एक ड्रामा किया स्टैंड अप गर्ल, उस ड्रामा में उन्होंने हमें लंडे के स्वेटर्स बनाए हैं। अच्छा जी, सवाल है, कभी दोस्तों में बैठे हुए कॉल पिक की हो और बाद में अंदाजा हुआ हो कि ये तो मेरा फोन ही नहीं है, यार तू मरवाएगा? अच्छा, मोबाइल फोन में नहीं हुआ हुआ, लेकिन लैंडलाइन में जरूर हुआ हुआ। इट्स अ नो। या, यू आर ऑफ द मार्क, वेल डन। ये पीछे देख के जवाब दे रही हूँ, मुझे लगता है देख रही हूँ कि वो आंसर मैंने सही दिया कि नहीं। तो यस यस, मैं थोड़ी सी हूँ, मतलब पागल, बुलक्कड़ बुलक्कड़, और मेरी अम्मी कहती होती है तुम पागल हो, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। फ़ोन पे सारी बातें कर ली, सब कुछ। ये तो मेरा फ़ोन ही नहीं है। और अच्छा, फ़ोन छोड़े, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि गलत गाड़ी में दो गाड़ियाँ, ये आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मेरी बीवी गलत गाड़ी में बैठ गई, तो मैं देख रहा हूँ पीछे से ये जा कहाँ रही है ये, और ऐसे करके फिर देखा दरवाज़ा खोला और हाय करके उसने दरवाज़ा बंद किया। मैं कि यार इतनी और स्टूपिडिटी की इंतहा है ये। मतलब गाड़ियाँ हम दोनों के साथ साथ, और गाड़ी भी बिल्कुल एक जैसी है। मतलब मैं ऐसे बड़ी हीरोइन बन के बैठी हूँ और मैं कह हाँ अम्मी 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 कहा ये कौन है, ये कौन है? एक बंदा बैठा, वो बेचारा परेशान हो गया, ये कौन है? ये हुआ है मेरे साथ। सवाल है जी, कभी किसी घर की बेल बजा के भागे हो? बचपन में हुआ भाई, किया हुआ। सबने बजाई होती है, मैंने भी ऑब्वियसली, मैं क्यों पीछे रहूं। अच्छा जी, आखिरी सवाल, कभी घर से बन ठन के निकले हो और जूते मुख्तलिफ पहन लिए हो? अनकॉन्शियसली नहीं, लेकिन कॉन्शियसली ये कर चुका हूँ, यानी एक जॉगर फटा हुआ था और यानी दो अलग अलग जूते पहन के, तो कॉन्शियसली कर चुका हूँ। इसका मतलब है गलत जवाब। यार वैसे Never do it again. yes, ऐसी सही कह रही है। मैं पहन कभी नहीं, मतलब पहने हैं मैंने, तो फिर yes होना चाहिए, ये no कह रही है। अच्छा हाँ, अब चेंज ना कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, हो चुका है। मैं ये वही, क्योंकि मेरी आदत है कि मुझे नहीं पता चलता और मैं निकल गई ऐसे, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने। कहाँ गई थी, शादी पे या वैसे? नहीं, शादी पे नहीं गई थी, शॉपिंग के लिए गई। शॉपिंग के लिए, okay. शॉपिंग के लिए गई। ये हमने आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर रखे हुए हैं। गर्ल्स फॉर, ये सिद्रा। एक इमाद देंगी, एक मायरा देंगी आपको गिफ्ट हैम्पर। लेके आए जी गिफ्ट हैम्पर।